अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ सोशल साइंस और वी कैन से हिस्ट्री फॉर क्लास एट्थ, चैप्टर नंबर 5, रिबेलियन ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन विच अबाउट विच वी विल डिस्कस टुडे is what were the cause of the failure of rising of 1857? What were the causes of the failure of rising of 1857? Dear students, following were the main causes of failure of Indians in the rising of 1857. Dear students, the first point is beginning of the revolt before time. तो revolt जो है, जो बगावत जो है, वो वक्त से पहले ही शुरू हुई. The rebellions started before a time because of the incidents at Bahrampur, Barakpur and Meerut. Unity among the revolutionaries received a setback, and the English got sufficient time to suppress the revolt. तो जो revolt है, जो बगावत जो है, जो वक्त से पहले ही शुरू हुई, तो जो बागी जो थे, जो बगावत करने वाले जो थे, उन्होंने बगावत वक्त से पहले ही शुरू की. और तो जो incident हुआ बहरमपुर, बारकपुर एंड मेरठ में, और उनमें यूनिटी नहीं दिखने को मिली. तो रेवोल्यूशनरी जो थी, उनमें यूनिटी नहीं थी, उनमें इतफाक नहीं था, तो जिसकी वजह से काफ़ी सेटबैक हुआ. और इंग्लिश जो थे, इंग्लैंड जो, अंग्रेज़ जो थे, उनको काफ़ी सफिशेंट टाइम मिला सप्रेस करने का, यानी कि जुल्म करने का, और उनको उस बगावत बागियों को कंट्रोल करने का. नो कॉमन एम, द नेक्स्ट पॉइंट इज नो कॉमन एम. देर वॉज नो कॉमन एम in our leaders. The leaders participating in the struggle did not have any common. The leaders participating in the struggle did not have any common aim. So dear students, common aim na hona ye bhi ek wajah thi. Jo hamare leaders the, leaders different, unki different strategies thi, unka different view point tha, different policies jo thi, डिफरेंट गोल उनका था, तो ये भी एक सेटबैक था, ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से ये रिवोल्ट जो था वो फेलियर हुआ. तो समवेयर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन, समवेयर सम फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर स्टेट्स, वाइल सम अदर फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री. Therefore, the failure of revolution was certain. तो कुछ जो थे वो रिलीजन अपने मज़हब के लिए लड़ रहे थे, कुछ अपनी स्टेट के लिए, कुछ इंडिपेंडेंस के लिए, तो यूनिटी नहीं थी जिसकी वजह से ये फेलियर हुआ. नंबर थर्ड इज रिवोट अनऑर्गनाइज्ड. रिवोट अनऑर्गनाइज्ड, द रिबेल हैव नो noble leader who could have kept them united. They were unorganized and indisciplined. The rebel have no able leaders. उनमें से कोई able नहीं था, उनमें कोई अहल leader नहीं था, कोई काबिल leader नहीं था. तो who could have kept them यूनाइटेड, जिसने उनको यूनाइटेड इकट्ठा करके रखा हुआ होता. दे वर अनऑर्गनाइज्ड एंड अनडिसिप्लिन्ड, जो अनडिसिप्लिन्ड, इसलिए वो रेवोल्यूशनरी जो थे, रिवोल्ट जो रिवोल्ट हुआ उसमें जो रेवोल्यूशनरी जो थे वो अनडिसिप्लिन्ड थे, और ये फेल हुआ. अनट्रेनड सोल्जर्स, द सोल्जर्स, द रिबेल्स लैक्ड ट्रेनड सोल्जर्स. दे हैड नो मॉडर्न वेपन्स.
of war. Most of the people who participated in the rising were disbanded soldiers. They had little experience. The rising was bound to fail. The soldiers unexperienced, untrained, so this rising of this revolt rising was bound to fail. इसलिए जैसे ये ज़रूरी इसको fail होना था क्योंकि experienced soldiers नहीं थे. And the rising did not spread in the whole country. जो ये rise, जो revolt जो था, ये पूरी country में नहीं फैला. Restriction पूरी country में नहीं था फैला. तो जो एक problem थी, बड़ी problem थी इसको fail होने की. The struggle remained restricted only in northern Indian. In northern India, में ये restricted हुआ. People of South Indian did not take active part in it. तो साउथ इंडियन जो थे वो एक्टिव पार्ट उन्होंने नहीं इसमें टेक पार्ट एक्टिव पार्ट एक्टिव हिस्सा इसमें नहीं लिया. सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स ने एक्टिव पार्ट लिया, साउदर्न स्टेट्स ने नहीं. तो जिसकी वजह से ये भी एक वजह हुई इसको फेल होने में. कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ओवर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कंट्रोल जो था वो अंग्रेजों के पास था, ये भी एक वजह थी. हैरिस मेथड ऑफ ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवोल्ट, तो ब्रिटिश काफ़ी जो रिवोल्टीज जो थे उन पर काफ़ी जुल्म करता था, जुल्म करते थे. क्रूवल बिहेवियर उनका था, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उनको सप्रेस करते थे, उनको दबाते थे, उन पर जुल्म करते थे, जो भी एक वजह थी. इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज, द रिबेल्स लाइक मनी दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू purchase good weapon. As a result, they failed in their submission. तो lack of weapon था क्योंकि वो गरीब थे, अच्छा weapon नहीं खरीद पाए. तो ये भी एक वजह थी इस mission को fail होने में. Thanks.